लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री ने भाजपा और मोदी को किया टाटा बाय बाय। राजनीति में मच गया भयंकर हाहाकार। जी हाँ, आपको बताया चले कि हरियाणा में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लग गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के सोमवार को भाजपा छोड़ने के बाद आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमलता भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे, जिन्होंने बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में दोबारा घर वापसी कराई है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें घर वापसी करने के बाद बीरेंद्र सिंह भाजपा पर जबरदस्त तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे। आज आप मेरे से पूछोगे कि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं, घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं एक ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में दोबारा घर वापसी हो गई। जी हाँ, आपको तय चली कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए ये 420 वोट का झटका माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले समय में चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से।